सीएम धामी का बड़ा ऐलान, समूह की परीक्षा में अब नहीं होगा साक्षात्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनीष न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में नकल की विरोध कानून आभार रैली में प्रतिभाग करते हुए कहा कि आपके हिस्से की सफलता का कोई और लाभ न उठा सके, इसके लिए हमारी कड़े से कड़ा सरकार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि समूह क की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग से कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बुधवार यहां को नकल विरोधी कानून आभार रैली में प्रतिभाग करने के दौरान युवाओं को भरोसा दिया कि भाजपा की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर न केवल चिंतित है बल्कि उन्हें रोजगार देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि समूह क की कोई भी परीक्षा, चाहे वह लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग की हो, इनके लिए होने वाले साक्षात्कार अब नहीं लिए जाएंगे। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे, अर्थात जैसे तकनीकी पदों में भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह भी निर्णय ले जा रही है उच्च पदों में जहां साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखा जाए। मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी भी शिकायतें मिलती है कि साक्षात्कार में किसी को बहुत ज्यादा अंक दिए गए या किसी अभ्यर्थी को बहुत कम अंक दिए गए। इसके लिए हमारी सरकार के पास नौजवानों व विभिन्न संस्थाओं की तरफ से विभिन्न सुझाव आते रहे हैं कि साक्षात्कार के अंकों की भी पारदर्शी प्रक्रिया तहत ही अभ्यर्थी को अंक दिए जाने का व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इन सुझाव पर अमल करते हुए हमारी सरकार यह निर्णय भी ले जा रही है कि साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को यदि 40% से कम और 70% से अधिक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। अब किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में भी जो सुझाव आएंगे उन्हें भी हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार लागू करेगी। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के मंत्र कार्य करते हुए अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ रही है। विकसित उत्तराखंड का जो भी स्वप्न हमने देखा है, हम उसके लिए अब एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष तक उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, और हमारा विकल्प भारत रहित संकल्प है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस काल में मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में जनता की जेब कटी, सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का निशाना। होली से पहले सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में आज से बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडर 50 और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस के समय 2014 में 410 रुपए सिलेंडर के दाम थे और सब्सिडी 827 रुपए थी। भाजपा के राज में 1103 रुपए दाम हो गए और सब्सिडी भी नहीं मिल रही थी। साथ ही लिखा है कि कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में बस जनता की जेब कटी और देश की संपत्ति मित्र को खैरात में बटी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इसको लेकर हमला बोला था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर 300 रुपए बढ़ाए, जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, अब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान, मोदी सरकार लाखों कमर तोड़, महंगाई के तले पिसता हर इंसान। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने अब पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा आप एक तूफान है, अब हम रुकने वाले नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पूरे देश को दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गर्व है। आम आदमी पार्टी आपके विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को चुनौती देने के अंदाज में कहा, आप एक तूफान है, अब हम रुकने वाले नहीं है और हमारा समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी केवल एक बहाना है और नए मंत्री दुगुनी रफ्तार से
सरकार के अच्छे कामों को जारी रखेंगे। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में किए जा रहे अच्छे कार्यों का रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि काम दोगुनी रफ्तार से होगा। अतिशी और सौरभ भारद्वाज जल्द मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, दोनों शिक्षित है और दोगुनी गति से अच्छे काम करते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन का होगा इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे। आप सरकार में दूसरे स्थान पर माने जाने वाले सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 2021-2022 की दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार किया था। जयंत को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया था। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।